लाखों वोटों से जीते ओवैसी। माधवी लता की करारी हार, क्यों हारी माधवी लता, क्या वजह? लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इस बार देश की हॉट सीटों में से एक तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। एआईएमआईएम चीफ अफदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को 3 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से करारी मात दी है। ओवैसी के सामने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के अलावा इस सीट से कांग्रेस के मोहम्मद वली उल्लाह समीर और बीआरएस के श्रीनिवास यादव भी चुनावी मैदान में थे। हैदराबाद लोकसभा सीट से माधवी लता के हारने के पीछे के कारणों की बात की जाए तो यहां एआईएमआईएम का सियासी रसूख और मुस्लिम मतदाताओं का बाहुल्य होना है। इस सीट पर पार्टी साल 1989 से लेकर 2019 तक हुए कुल 9 लोकसभा चुनावों में से एक भी नहीं हारी है। हैदराबाद सीट पर 1984 से 2004 तक 6 बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी सांसद रहे और 2004 से 2019 तक 4 बार अफदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की है। ओवैसी ने अपने विरासती रसूख को बखूबी बरकरार रखा है। इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि हैदराबाद की सीट एआईएमआईएम से छीन पाना बेहद ही मुश्किल काम है। हैदराबाद सीट मुस्लिम समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट है और इस बार का चुनाव सीए और यूसीसी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के सामने बड़ी चुनौती रही। इस साल रामनवमी के दिन माधवी लता का एक काल्पनिक तीर चलाते हुए वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और भी बल मिला। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट का परिसीमन साल 2008 में हुआ था। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 2014 तक कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की। इस सीट पर कांग्रेस को 6 बार जीत मिल चुकी है। इसके अलावा 1 बार तेलंगाना प्रजा समिति और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की। साल 2019 के चुनाव में एआईएमआईएम चीफ अफदुद्दीन ओवैसी यहां 5,17,471 वोटों के साथ रिकॉर्ड जीत पाई थी। वहीं साल 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी को कुल मतदान का 92.94% यानी कि 6,13,868 वोट मिले थे। इस बार भी ओवैसी को यहां 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। इस बार ओवैसी यहां से जीत हासिल कर 5वीं बार सांसद बनेंगे और अपने पिता का भी वह रिकॉर्ड तोड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।